स्ट आज करने वाले इस पॉडकास्ट के अंदर आज हमारे पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट है रोहित अग्रवाल सो हेलो रोहित

रोहित भाई को तुम लोग जान रहे हो शायद इस वीडियो से बहुत लोग शायद जानेंगे कोई जो स्टॉक्स के वीडियो से या फिर बहुत लोग जानेंगे कोई और यूट्यूब से जिसके अंदर वो लाइफ आया था पॉडकास्ट भी किया था एंड इंटरव्यू दिया था राइट रोहित अच्छा तो रोहित भाई इज फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर एंड ही ड्रॉप एंड आफ्टर ड्रॉपरिक्योर्ड नाइनटी नाइन पॉइंट वन फोर परसेंट इन जेई मेन्स ठीक है एंड वो अभी सी कर रहे हैं फ्रॉम एनआईटी

तो I thought of giving जे अच्छा, रोहित एक ने को थोड़ा था, काफी सारे अभी ना बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल कि कोटा में जाके पढ़ाई करने के तो क्या तुम करते कि कोटा में जाके ही तुम तो कोलका तो से राइट तो कोटा का कोटा कोटा इज नॉट एसेंशियल घर से भी पढ़ाई हो सकता है बस मन से पढ़ने के लिए वो सिक्क होना चाहिए कि हम मन से पढ़ाई करेंगे कोटा एसेंशियल नहीं है घर पे जहाँ बैठे वहीं से भी रिमोट एरिया से भी हो सकता है अच्छे एरिया से भी हो सकता है कोटा जरूरी नहीं है ऑफलाइन so, भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मई बहुत uh, बढ़िया चीज बोला है कि भैया कोटा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि हम कहा से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा रोहित आ, आ, तुम्हारे अपने मुंह से मैं सुनना चाहता कि वट इज योर व्हाट वॉज योर रैंक एंड वट वॉज परसेंटाइल एक बार जो करंट एस्पेक्ट है उसको एक बार, एक बार

ग्यारह हजार के अंदर पूरा चार साल का कोर्स खत्म समाप्त हो रहा होता है और वो भी एक बहुत बढ़िया जॉब ठीक है या? तो यार देखो हमने कुछ चीज को करने वाले हैं पहले हम कुछ चीज को पूछते हैं कि आ, मान लो कोई बच्चे का जैसे कि तुम एक साल का ड्रॉप लियो जो तुम मेरे को बता रहे थे फोन में कॉल राइट तो यार आ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है कि भैया बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के साथ साथ मेंस को फोकस कर नहीं पाता है राइट बोर्ड देता है बट मेंस को फोकस कर नहीं पाता उसके लिए तुम्हारा क्या आइडिया है कि भैया क्या Means को अलग और, से, means अलग से से अच्छा होगा Boards में भी पीसीएम रहता है जेई में भी PCM रहता है बस Boards में थ्योरी नहीं रहता है जे में थ्योरी नहीं रहता है तो बोर्ड्स में न्यूमेरिकल आता है जे में आता है बस हम लोग एलोबोरेट करके बोर्ड्स के लिए थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ना होता है डेरिवेशन करना होता है कोई भी टॉपिक ले लेते हैं और जेई के लिए बस थ्योरी पढ़ना होता है डेरिवेशन तो करना होता है बस एग्जाम में करना नहीं होता है लेकिन एग्जाम में सॉल्व करके वो फॉर्मूला का रिजल्ट याद करके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है uh, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं तुमको पता है है जो जॉब काउंसलिंग के लिए ठीक अब बहुत सारे बच्चे का दिक्कत है कि भैया हम लोग क्या करें शुड वी फोकस फॉर मेंस और शुड वी फोकस फॉर शुड वी फोकस फॉर बोर्ड्स तो जो बच्चे इस बार बार भी दे रहे हैं तुम्हारा मान लो कोई आई एस के बच्चे या फिर आईसीसी के बच्चे या फिर सीबीएसई के बच्चे तो उसके लिए तुम क्या बोलना चाहते हो

हम आए, ये लेके भी बात भी। करने वाले हैं ले क्योंकि अगर तुम लोग देख सकते हो कि रोहित भैया हर एक चीज हम लोग ना थोड़ा प्लान कर रहे हैं पहले ठीक है मतलब ये हर एक चीज क्या होने वाले है अच्छा एक चीज में तुमको था छोटा सा एक क्वेश्चन तुम अपने आप को मेन्स के बाद तुम तो एक साल ड्रॉप थे राइट तो तुम अपने आप को वेबजी के लिए कैसे प्रिपेयर किए थे क्या तुम अलग से प्रिपेयर किए थे ना टू बी ऑनिस्ट वेब जी के लिए कुछ प्रिपरेशन किया नहीं था बस एग्जाम के दो दिन पहले इन फैक्टिक्स स्लाइटलीमिस्ट्री डिफिकल्ट आता है थोड़ा डब्ल्यू बीजे में और मैथ्स बिल्कुल सेम आता है मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है टाइम बाउंड होता है सेवेंटी फाइव क्वेश्चन का ना होता है डब्ल्यू बीजे में ये थोड़ा चैलेंजिंग है वरना इस जो इंसान अगर अजय में अच्छा कर लेगा तो डब्ल्यूबीजी में करियर करी पाएगा अगर उसका टाइम अगर ता, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मेरा मेरे तरफ से तुमको रहेगा कि तुम एक साल ड्रॉप दी हो तो बहुत लोग बोलते हैं ना ड्रॉप ईयर से इंसान भटक जाता है ड्रॉप ईयर से uh, अगर किसी का गर्लफ्रेंड है तो वो या फिर किसका बॉयफ्रेंड है तो वो भी एक प्यार का एंगल आ जाता है राइट

अच्छा एक छोटा सा मेरे तरफ से क्वेश्चन आता है लाइक इस बार जो मेन्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं तुम्हारे आ, 27 से लेके फर्स्ट फेफ्त तक राइट तो जिसका मान लो कि पेपर नहीं क्लियर होता है फॉर मैं मान लेते हैं अभी तक तो रिजल्ट नहीं है सब लोग एग्जाम दे, देने जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट टू एवरी पॉडकास्ट देख के एग्जाम देने जा रहे हो इसके बाद जो हमारा सेकेंड है वो करीब करीब अप्रैल में होगा राइट right? तो तुम्हारा भी फर्स्ट अटेम्प तो अच्छा गया था बट उतना भी अच्छा नहीं गया था एज फॉर एज आई नो राइट तो बस अच्छा गया था सेकेंड अटेम्प तो तुम ये इसके बीच में जो टाइम है इसको कैसे यूटिलाइज करने के लिए बच्चे को रिकमेंड करोगे डेविएट हम लोग को बात को दो डिफरेंट डिफरेंट कर लेना चाहिए अगर फर्स्ट जेई अच्छा नहीं जा रहा है तो एक में हम लोग को मेनली मेंस में फोकस करना चाहिए एडवांस के बारे में नहीं सोचना चाहिए तो जेई मेंस के करें और साइड बाय साइड डब्ल्यू बीजे करें क्योंकि अगर जेई मेंस नहीं होता एक है बैकअप ऑप्शन एज ए डब्ल्यू बीजे रहेगा डब्ल्यू बीजे एज ऑल्सो गुड कॉलेजेस वेरी गुड थिंग जो कि भैया ने बोला बारे। है देखो अगर जे नहीं निकला हो सकते मैं हो ही सकता है भाई कुछ भी हो सकता है जो कि बहुत प्रिपेयर भी हो उससे भी अगर गलती हो सकता है इंसान है राइट तो सेकंड ऑप्शन क्या है डब्ल्यू जो कि तुम्हारा बैकअप ऑप्शन रहना चाहिए राइट तो हम ये डब्ल्यूजे को लेके बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में अब तब तक के लिए जो लोग अभी जे इमेज देने जा रहे हो यार द वेरी बेस्ट अच्छे से एग्जाम uh, हाँ, अगर तुम भैया से और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हो तो हम जो सेकंड चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाले हैं उसको फॉलो आउट कर लेना भैया और भी बहुत सारी चीज करवाने वाले हैं सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ डिफरेंट चीज बनाने वाले, जो हम करने वाले है बहुत ही थे, है? राइट? क्या करेंगे ना ठीक है तुम्हारा कॉलेज रहते हुए कुछ ना कुछ तो आने वाले है बहुत बढ़िया क्या क्या होगा वो हम थोड़ा प्लान करते हैं You, you. रहता है, मेरे को पता है तुम्हारा कॉलेज भी रहता है तो भी तुम टाइम निकाले हो इतना बच्चे को गाइड करने वाले हो कर भी रहे हो राइट सो थैंक्स लॉड रोहित ऑल द वेरी मैच फॉर योर फ्यूचर